वैभव जी, सीधे तौर पर पूछना चाहूंगी, क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर भी क्या आकलन कह रहा है, इस बार कितना खेल बिगड़ता दिख रहा है? पिछली बार बसपा वाकई किंग मेकर की भूमिका में थी, इस बार क्या रणनीति होगी? देखिए, पहले तो मैं दो तीन तथ्य साफ कर दूं कि बसपा क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, राजस्थान में चुनाव लड़ रही है जी। और दूसरी बात यह है कि अभी कहा जा रहा था कि तीसरी ताकत, तो बीएसपी मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में ही तीसरी ताकत है। अगर आप विधायकों की बात करें, 6 विधायक जिताए थे सिंबल पे, वो अलग बात है, कांग्रेस उनको तोड़ के ले गई। वोट के प्रतिशत के हिसाब से भी मध्य प्रदेश में 5% और 2 विधायक के हिसाब से वो तीसरी पार्टी है। और 25 से 30 ऐसी सीट है जहां पे बसपा अपनी दावेदारी पेश करती है और उसमें से सीट निकालती है, इस बार भी निकालेगी। और लग रहा है कि उस 30-35 सीटों पे बसपा जहां नहीं भी जीत पाएगी, वह हार जीत का निर्णय करेगी। एक बार मैं ओबीसी आरक्षण की एक बात कह दूं, इससे पहले मैं एक राजनीतिक टिप्पणी करूं। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकार सुनिश्चित किए थे संविधान के तहत, ठीक है। कांग्रेस को न जाने कितने दशक लग गए, वो आयोग नहीं बना पाए, वो आरक्षण नहीं दे पाए। उसके बाद जब साहब कांशीराम ने बहुजन राजनीति की बागडोर संभाली, जब चौतरफा दबाव बना और जब एक राजनीतिक पेच फंसा, तब जाके वीपी सिंह की सरकार में मंडल आया और आरक्षण मिला। तो फिर आज के समय में जो ये वाहवाही लूटी जा रही है ओबीसी वोट के लिए, जो बहुत से वादे किए जा रहे हैं ना, और दोनों ही पार्टियों को अपने गिरफ्तार में झांकना पड़ेगा। और एक कमाल की बात चुनाव में देखने को मिलती है पूजा जी, कि राजनीतिक दलों को अपने सत्ता वाले राज्य नहीं नजर आते हैं, वो तो इनविजिबल हो जाते हैं। जो दूसरे राज्य हैं केवल वो नजर आते हैं, जो अपने राज्य में नहीं कर पाते वो दूसरे राज्यों में जाके वादा कर लेते हैं। आखिरी 6 महीने में ऐसे ऐसी चीजें घोषित कर दी गई, 5 साल। मैं अभी राजस्थान से लौट रहा हूं, गंगापुर सिटी, करौली, हिंडौन, नादौती, सीकरा, इन सारे इलाकों में जनता से मैं बातचीत करके आ रहा हूं, नदबई के इलाकों में जनता साफ कह रही है कि ये 5 साल से कहां थे जो ये आज लेकर आए हैं। ईआरसीपी के मुद्दे पर क्या हुआ, अशोक गहलोत सरकार से बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं। और रही बात ओबीसी वर्चस्व की, देखिए ओबीसी किसी पार्टी का एक पेट वोटर नहीं है कि उसको आप धर्म का झुंझुना देके, धर्म के हवाले से उनका वोट ले लेंगे। इस समय केंद्रीय मिनिस्ट्रीज में, ध्यान से सुनिए, ओबीसी जो दर्शक सुन रहे हैं वो भी सुने, केंद्रीय मिनिस्ट्री कितने सचिव हैं, कितने प्रोफेसर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ओबीसी के, वो क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? जब आईएएस आईपीएस जो है आरक्षण के तहत सेट रिप्रेजेंटेशन है उनका कि इतना प्रतिशत तो एससी एसटी ओबीसी आएगा ही, जब एंट्री लेवल पे इतनी भर्ती होती है तो सचिव पहुंचते वो ओबीसी कहां गया? आपके बयान और कांग्रेस के बयान बहुत सेम से लग रहे हैं, तो यानी इस बार भी समर्थन 2018 वाला ही होगा क्या? कांग्रेस को जरूरत पड़ी तो साथ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं, वो तो समय बताएगा। और वैसे भी बीएसपी का जो रुख है वो काफी साफ है, बहन मायावती का कहना है कि सरकार का हिस्सा बनेंगे। और देखिए, पहले भी सरकार कैसे बनी थी, आपको नहीं मालूम कि मध्य प्रदेश में कितना बारीक सा बहुमत था, बसपा के 2 विधायक साथ ना हो तो सरकार नहीं बन पाती। वही हाल राजस्थान में था, वो 6 विधायक अगर साथ ना होते तो सरकार ना बन पाती। तो इतना द्विपक्षीय नहीं है राजनीति, लेकिन पशुपेश ये भी है ना कि आप राष्ट्रीय पार्टी हैं लेकिन वो एक्टिवनेस बतौर राष्ट्रीय पार्टी आपकी दिखती नहीं है। आम आदमी पार्टी कम से कम शुरुआत में तो खूब प्रचार प्रसार में दिखी, अब बेशक थोड़ी सी गायब नजर आ रही है, लेकिन अब आपके यहाँ तो एंट्री ही अब होने लगी है चुनाव के जस्ट अंतिम दौर में, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इस राजस्थान ने इंद्र मेघवाल भी झेला, जितेंद्र मेघवाल भी झेला, और ऐसा कोई हफ्ता नहीं जाता जिसमें जघन्य महिलाओं के प्रति जातीय आधार पर अत्याचार उत्पीड़न नहीं होता। यही कांग्रेस की सरकार होती है, यही जो बीजेपी है राजस्थान सरकार सबसे ज्यादा उम्मीदवार आपने उतारे, 185 कैंडिडेट्स मैदान में, उसके बावजूद बिल्कुल उतारे जाते हैं। और ऐसा नहीं है, जो पहले इकाई है वो लगातार बसपा की एक्टिव रहती है, लेकिन सवाल है कि अत्याचार उत्पीड़न, सीधी पेशाब कांड जैसे मुद्दे की आप मुद्दों की बात कर रहे थे ना, ये मुद्दे बनने चाहिए, दलित समाज के लिए मुद्दे बन रहे हैं, वो अपने आरक्षण बैकलॉग की बात कर रहा है। ठीक है।